महेंद्र गोयल चुनाव लड़ रहा, जनता चुनाव लड़ रही है। स्कूटी छोड़ो, वो कार भी देंगे तब भी उनके जमानत जब्त होगी। अरविंद केजरीवाल जैसा सीएम ना आज तक हिंदुस्तान में ना तो पैदा हुआ है ना पैदा होएगा। रिठाला विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं और यहां पर जो हैं विधायक महेंद्र गोयल, जो पिछले 5 साल रहे और इस बार दोबारा से आम आदमी पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है। महेंद्र गोयल जी, क्या लग रहा है आपको? काफी बहुत कम समय रह गया है, कल आखिरी दिन है प्रचार का, कैसा लोगों से रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये जनता चुनाव लड़ रही है, महेंद्र गोयल चुनाव लड़ रहा, जनता चुनाव लड़ रही है और इन विरोधियों के जमानत जब्त करवा रहे हैं। भाजपा ने मैनिफेस्टो में 2 रुपए किलो आटा दे रही है जनता को, 200 रुपए यूनिट दे रही है। वो पहले अपने स्टेट के अंदर करके देख ले, जिन स्टेटों में उनका राज है। यहाँ बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, स्कूलों में शिक्षा फ्री दे रहे हैं, लोगों के हेल्थ को ठीक कर रहे हैं। केजरीवाल जी पे संगीन आरोप लगा है कि जो अभी गोली चली शाहीनबाग में, उसमें जो कपिल गुज्जर जो आया, इन चोटों की हम कोई बात नहीं करते, ठीक है। अगर विधानसभा की बात करें, कैसे हालात है, क्या कुछ कमियां? विधानसभा रिठाला की अगर बात करें तो क्या यहाँ पर जैसे भाजपा कह रही है आपके कन्याओं के लिए हम स्कूटी देंगे? यहाँ से सबसे ज्यादा वोट से जीत के जा रहे हैं। स्कूटी छोड़ो, वो कार भी देंगे तब भी उनकी जमानत जब्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्कूटी छोड़ो, कार भी देंगे तब भी उनकी जमानत जब्त होगी, साफ तौर पर कहना है महेंद्र गोयल, जो यहाँ विधायक हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। साहब, क्या लगता है जिस तरह से मैनिफेस्टो आया है भाजपा का, 200 यूनिट तक बिजली दे रहे हैं, कन्याओं के लिए, बच्चियों के लिए स्कूल जाने के लिए साइकिल और स्कूटी दे रहे हैं, कन्यादान में पैसे दिए जा रहे हैं, 2 रुपए किलो आटा दिया जा रहा है, क्या लगता है किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक बोकस और झूठा मैनिफेस्टो है। ये आज तक इंडिया में जहां जहां मैनिफेस्टो लागू किए थे वहां पर लागू नहीं कर पाए। इन्होंने फिर झांसा दे दिया है कि 12 लाख नौकरी हम दिल्ली में देंगे। वो 2 करोड़ नौकरियां कहां है जो मोदी जी ने पहले वादा करा हुआ है? सिर्फ लुहावने वादे दे रही है और कुछ नहीं कर रही है। एक सवाल मैं और जानना चाहूंगा, अभी जो शाहीन बाग में जो एक हादसा हुआ था, कपिल गुज्जर द्वारा गोली चलाई गई, उसे हिरासत में लिया गया, उसमें अब ये निकल कर सामने आया, कुछ फोटो भी आई है, संजय सिंह जो है वो टोपी पहना रहे हैं उन्हें, और साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने भी ये जांच पड़ताल के बाद कहा कि ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी को ज्वाइन किया था। ये उसका बाप का आज स्टेटमेंट आ गई है, मीडिया में भी आ गया है कि उसने साफ कह दिया कि हम बसपा के लोग थे। हाँ, एक अलग बात है, इंसिडेंस हुआ होगा कभी, टोपी कोई भी पहन सकता है। अभी यहाँ 10 लोगों ने टोपियाँ पहनी है, टोपी पहन के वो कोई वारदात कर दे, इसमें जिम्मेदारी पार्टी की नहीं होती है। ये बेवकूफ़ी वाली बात है। चिमेना ने टोपी पहनी है, ठीक है, आसाराम ने टोपी पहनी हुई है बीजेपी की, ये बलात्कारी हैं। सेंगर ने टोपी पहनी है, बलात्कारी हैं, ये कहाँ जाएंगे? लेकिन वहीं भाजपा के समर्थकों से या जो भाजपा की जो जनता जो उनकी तरफ है उनसे बात करी हमने, तो वो ये कह रहे हैं कि आपको कोई ज़बरदस्ती पकड़कर टोपी नहीं पहना सकता। देखिए, मैं फिर वो कह रहा हूँ कि कभी हो सकता है कभी उसने टोपी पहनी हो, वो इत्तफाक है। बीजेपी में भी ऐसे बहुत से भ्रष्टाचारी हैं, अपनी टोपी पहन के वो गलत काम करते हैं, नारंगी टोपी पहन के, केसरिया टोपी पहन के वो गलत काम करते हैं, ऐसा ये इत्तफाक है। लेकिन तो भाजपा ने साफ तौर पर कह दिया अरविंद केजरीवाल को कि आतंकवादी है। देखिए, ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जैसा सीएम ना आज तक हिंदुस्तान में ना तो पैदा हुआ है ना पैदा होएगा पूरी दुनिया में। केजरीवाल को ये आतंकवादी बोल लें, नक्सली बोल लें, कुछ भी बोल लें, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया, 2 करोड़ जनता ने। आज आप किसी भी घर से निकल जाइए, उसका एक ही नाम होता है, लोग बालकनियों में से खड़े होकर आह्वान करते हैं, झाड़ू दिखाते हैं कि हम झाड़ू के साथ हैं। लेकिन ये सीएए का और एनआरसी का जो मुद्दा एक निकल कर आया है, बहुत ही खास मुद्दा, उस पर जो है उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी बोला है कि भाई शाहीन बाग में जो है, जो घुसबैठी जो है, उनका अगर साथ केजरीवाल दे रहा है तो वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। देखिए, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको आतंकवादी, नक्सलवादी, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी हाल ही में ये बोला है कि जो भी देश की अखंडता के साथ है, एकता के साथ है, हम उनके साथ हैं, तो जो भी है, जो हमारे संविधान को बचाने के लिए खड़ा है, उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी खड़े हैं। और नक्सलवादी बोलना तो सही नहीं है, उन्होंने जनता के लिए इतने काम, जो नक्सलवादी जनता के लिए काम नहीं कराता, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में नहीं सोच सकता। भाजपा का कहना है कि हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांटने का काम कर रहे हैं केजरीवाल जी, धर्म की बुनियाद पर खासतौर से। तो ये धर्म की बुनियाद पर जो ये बात कर रहे हैं भाजपा वाले, एक बात से जनता को जवाब दे दें कि 8 तारीख के बाद वो कह रहे हैं, प्रवेश वर्मा ने भी ने कहा है कि 9 तारीख को शाहीनबाग खाली हो जाएगा,
क्या इनके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है शाहीनबाग खाली कराने का? ये क्यों नहीं खाली करा रहे हैं? ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पुलिस इनके पास है, पुलिस प्रशासन सारा इनके पास है, गृह मंत्री ये इनके पास दिल्ली में मौजूद, भाजपा के पास दूसरा कोई विकास का मुद्दा है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जी आप बताएं। देखिए, गृह मंत्री चाहे तो वो 2 घंटे के अंदर ये मसला हल कर सकते हैं। अगर उन महिलाओं का डिमांड है कि गृह मंत्री उनके बीच में जाएं और सीए एक आश्वासन दे कि इससे ना किसी समाज को, चाहे वो मुस्लिम समाज है या भारतवर्ष का कोई भी समाज है, उसके लिए कोई खतरा नहीं है, उसकी नागरिकता पे वो तो कह ही रहे हैं। नहीं तो वो उनके बीच जाकर बोलने, उनको क्या, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मतलब हवाई जहाज पकड़ के विदेश यात्रा कर सकते हैं। एक बात बताइए, सीए लेके कौन आया? सीए लेके कौन आया? केंद्र सरकार आई ना, केजरीवाल तो लेके नहीं आए ना। सीए उन्होंने पैदा करा है। आज वो जो डिमांड कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, ना कि केजरीवाल से। मतलब चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आ सकता, बन सकता है? नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। शानी वक्त ये आ रहा है कि केजरीवाल जी को खाम का घसीटा जा रहा है और कुछ नहीं करा जा रहा, उनको मुद्दा बनाया जा रहा है। एक्चुअल क्या है कि वो चाह रहे काम करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे वो काम करना चाह रहे हैं। कल केजरीवाल जी ने अपने बयान दिए हैं कि मेरे पास क्या है, पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, महकमा मेरे हाथ में नहीं है। अगर देश का गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद है तो उसको 1 घंटा लगता है ये शाहीन बाग खाली कराने के लिए, और केजरीवाल के ऊपर ये दोष डाला जा रहा है कि केजरीवाल जी ने ये काम करवाया है। लेकिन क्या लगता है आपको, सही में करवाया है केजरीवाल ने? ना, केजरीवाल क्यों करवाएंगे, केजरीवाल किस लिए करवाएंगे ये काम? गृह मंत्री दिल्ली में घूम रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा है शाहीन बाग क्या है, क्या मुद्दे हैं उनके पास? आज हम ये देख रहे हैं कि एक केजरीवाल को हराने के लिए पीएम मोदी को भी रैली में आना पड़ रहा है, तो इससे बुरी खबर नहीं है बीजेपी के लिए। कितना डर, कितना उछाला जा रहा है केजरीवाल जी को, उछाला जा रहा है और कुछ नहीं है बीजेपी। कितना डर खौफ पैदा हो गया है, 170 विधानसभा की सीट का सीएम और पूरी की पूरा अमला उतार दिया है। अभी किशन कह रहे हैं सरकार बनाने जा रही है भाजपा। देखिए वो नचनिया हैं ये, इनके में सब में नचनिया बने। रिंकिया का पापा ये नाचना गाना जानते हैं, सरकार चलाने जानते हैं, इनके बस की नहीं है। आज तक मोदी सरकार नहीं चला पाए, जीडीपी बिल्कुल हालत खराब हो गई है। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि चाहे शाहीन बाग हो, चाहे पूरी दिल्ली हो, चाहे रिठाला विधानसभा हो, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जो भाजपा जो रणनीति अपना रही है वो सरासर घातक और गलत है। और रही बात सत्ता में आने की, तो ये तो 11 फरवरी का ही दिन बताएगा कि कौन सी सरकार सत्ता में आती है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ जुहेब अहमद, सत्य खबर, दिल्ली। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।